हाय फ्रेंड्स, केम छो, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त धर्म, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। तो जैसे आप सब जानते हैं, गणेश उत्सव आने वाला है और दो साल के बाद महाराष्ट्र में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन गणेश उत्सव होने वाला है। तो बॉस फुल लॉन धमाल होगा, प्लस हम लोग के लिए ये साल बहुत स्पेशल है क्योंकि पहली बार गणपति बापा हम लोग के घर आने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत खुश है हम लोग। इसी वजह से मैं बहुत एडवांस प्लानिंग में चल रहा हूँ। बापा की मूर्ति हम लोग ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, तो आज हम लोग जाने वाले हैं जहाँ पर डेकोरेशन का सामान मिलता है। जाने वाले हम लोग ऐसा हब जो गणेश उत्सव का हब माना जाता है मुंबई के अंदर, हम लोग जाने वाले हैं दादर। आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो डेकोरेशन में यूज़ होती हैं, प्लस माउथ वाटरिंग महाराष्ट्रन फूड भी हम लोग खाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग विदाउट एनी डिले। ए हेलो, तो दोस्तों अगर आपके घर पे भी गणपति बापा आने वाले हैं, अगर आप डेकोरेशन का सामान लेना चाहते हैं दादर से, तो एक गली है जो बहुत फेमस है यहाँ दादर में, जहाँ पे गणपति बापा के आगमन के पहले पूरा डेकोरेशन का सामान से भरा हुआ रहता है। तो जैसे आप दादर उतरेंगे, आपको दादर वेस्ट में जाना है और श्री कृष्ण वड़ा बहुत फेमस है वहाँ पर। श्री कृष्ण वड़ा वाला शॉप है वो, आपको सर्च मार लीजिए, वो गली के अंदर आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक डेकोरेशन का सामान ही देखने मिलेगा। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं इसे कहते हैं मकर। अभी इसके अंदर बापा को हम लोग स्थापित करते हैं। अगर आपके घर पे ज़्यादा जगह नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या डेकोरेशन करें, तो आप एक मकर ले सकते हैं। उससे आपकी जो भी कमी रहेगी डेकोरेशन की वो पूरी हो जाएगी। अभी प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 1200 से रेंज स्टार्ट होती है और अप टू 9000 तक है। डिपेंड्स आप कैसा मकर ले रहे हैं या किस साइज़ का मकर ले रहे हैं। तो दोस्तों गणपति बापा की अपनी शॉपिंग हो चुकी कंप्लीट, अभी लगी है जोरों की भूख। तो हम लोग आए हैं ऑथेंटिक महाराष्ट्रन खाना खाने के लिए। अभी दादर में आप होंगे और ऑथेंटिक महाराष्ट्रन खाना बोलेंगे तो एक ही नाम आता है, आस्वाद। बहुत कम जगह है मुंबई में जहाँ पे आपको ऑथेंटिक महाराष्ट्रन खाना मिलता है। अभी मेरी इस तरफ देखेंगे, लोकेशन बहुत ईजी है इसकी, सामने ही आपको शिवसेना भवन देखने मिलता है और उसके बराबर सामने आपको देखने मिलेगा आस्वाद। मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 25 से 27 साल पहले आया था, जब भी बहुत छोटा सा आउटलेट हुआ करता था। अभी रिनोवेट करके बहुत बड़ा बना दिया और बहुत अच्छा बना दिया है। अंदर जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ट, वो टेस्ट पहले जैसा है कि नहीं, अंदर चलते और देखते हैं। आइए मेरे साथ। दोस्तों सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको आस्वाद के किचन के अंदर। हम लोग ने स्पेशल परमिशन लिया है किचन एक्सेस करने के लिए, ऐसे जनरली वीडियो बनाए यहाँ पे अलाउ नहीं करते, हम लोगों ने स्पेशल परमिशन लिया हुआ है। तो चलिए मेरे साथ अंदर किचन में चलते हैं। और दोस्तों इनका किचन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ऑर्डर्स रहते हैं यहाँ पे। अब अगर आप लंच टाइम पे आएंगे तो आधा पौने घंटे का वेटिंग रहता है कम से कम आराम से। तो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा बहुत कुछ आपको किचन के अंदर दिखा सकूँ इनका। अब ये भाई अपना लगाने जा रहे हैं वड़ा पाव। बॉस देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। उनको बोलते एक हमको थाली बना के दिखाने के लिए, आपको देखने मिलेगा थाली में क्या क्या रहता है। सादा राइस, ये आ गया थाली में। पहले सबसे ज़्यादा पहले आया सादा राइस, सादा राइस
एक कड़ी, एक वाटी कड़ी है उसके साथ में है ये कड़ी, महाराष्ट्र कड़ी रहती है ये, एक वाटी वरण और उसके साथ में ये वरण, वरण मतलब दाल रहती है, ये वरण है और एक कुर्मा। ये आ गया मिक्स वेज कुर्मा की सब्जी और एक आलू का सूखा भाजी और ये है सूखी भाजी। अभी आपको जो भी ये खाने मिला, अगर कुर्मा भी बोल रहे हो ना, पंजाबी डिशेस से इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट रहता है, महाराष्ट्रियन टेस्ट रहता है इसके अंदर। और थाली के अंदर साथ में आपको आ जाएंगे ये कोथिंबीर वड़ी भी, एक कुरडर और ये कुरडर मतलब ये होता है साबूदाने का पापड़ जैसा बनाया रहता है उन्होंने। तो बस थाली देखने में बहुत हैवी लग रही है, थाली शायद नहीं खा पाएंगे, तो हम लोग वैसे भी यहाँ पे थाली नहीं खाएंगे, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाने वाले हैं, थाली हम लोग नहीं खाएंगे, थाली जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने दिखाया है। ये आगे अपनी गर्मा गर्म पूरी, ये पूरी और ये अपनी हो गई थाली पूरी तरह से तैयार। चलिए जाते टेबल पे। अभी इनका मेन्यू कार्ड देखिए दोस्तों, कितना यूनिक है। यहाँ पे नथनी बनाई हुई है जो बाहर आपको बड़े फ्रेम में भी देखने मिलती है, अंदर देखिए प्रॉपर महाराष्ट्रन फूड का फोटोग्राफ्स वगैरह भी है साथ में दिया हुआ, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। अब ये हम लोग मंगाएंगे कोथम्बीर वड़ी। तो दोस्तों पहली अपनी डिशेस आ गई है, हम लोग ने मंगाया, पहले मंगाए है थाली पीठ और ये है कोथम्बीर वड़ी। अब ये मेरा मोस्ट फेवरेट है महाराष्ट्र फूड में, बेसन के आटे से बनता है ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी रहता है और अंदर से बेसन से बनता है, देखिए सॉफ्ट है, अंदर से कोरिएंडर से बनता है बेसिकली ये, और टेस्ट में थोड़ा सा स्पाइसी थोड़ा सा फीका रहता है, मज़ा आता है। उसके साथ में खाने के लिए नारियल की ग्रीन चटनी और दी है सूखी चटनी। तो अपनी दूसरी डिश है थाली पीठ। अभी ये कुछ अलग अलग चार या पांच तरह के अलग अलग दाल से बनता है, उसके ऊपर उन्होंने देखिए वाइट बटर डाला हुआ है। पहले थाली पीठ ना मज़ा नहीं आता था, मगर बॉस अभी बहुत मस्त रहता है। अंदर देखिए ऑनियन दिख रहा है आपको, ऑनियन है, साथ में अलग अलग दाल डाली हुई है, मल्टीग्रेन है बेसिकली बोल सकते हैं, और साथ में इन्होंने दी है ये दही वाली चटनी जिसके अंदर इन्होंने राई का तड़का मारा है। बॉस देखने में भी बहुत टेंटिंग लग रहा है, चलो फटाफट खाते हैं और आपको टेस्ट करके दिखाते सालों पहले का टेस्ट अभी है कि नहीं। तो सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम लोग थाली पीठ। बढ़िया है, थोड़ा सा माइल्ड स्पाइसी है। अभी इसके अंदर साथ में एक बार टेस्ट करके देखते हैं ये दही का चटनी। बहुत मस्त है, ये थोड़ा सा स्पाइसी, उसके ऊपर वाइट बटर का टेस्ट और साथ में स्वीट दही है, साथ में उन्होंने राय का तड़का लगा हुआ है, कॉम्बिनेशन बहुत मस्त है। आपको टेस्ट हर टेस्ट के अंदर ऐसा मल्टीग्रेन का टेस्ट आता है, तो हेल्थ के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर खाना रहेगा आपको। तो ये है कोई भी मेरी महाराष्ट्र होटल की सबसे फेवरेट आइटम कोथम्बीर वड़ी। अब ये टेस्ट करते हैं क्योंकि ये बेंचमार्क होता है बॉस मेरे लिए कोई भी महाराष्ट्र रेस्टोरेंट में जाने का, अगर कोथम्बीर वड़ी हिट है तो बॉस रेस्टोरेंट हिट है। ज़ोरदार है, बाहर से इसका जो भी लेयर है बहुत मस्त क्रिस्पी है और अंदर एकदम सॉफ्ट है, आप मुँह में रखोगे ऐसा पूरा निगल जाता है, मुँह के अंदर घुल जाता है, बहुत मस्त है टेस्ट में। और ये डीप फ्राइड नहीं रहता है, अपने देखने में फ्राइड लग रहा है मगर ये शैलो फ्राई रहता है, तो ऑयली ज़्यादा नहीं रहता है, देखने में बहुत बढ़िया है, टेस्ट में बहुत बढ़िया है। अभी देखिए मैं गुजराती हूँ तो जैसे मैं गुजराती खाना खाता हूँ ना, तो ऐसे मन के अंदर जैसे बोलते हैं हम लोग के मन में मोर नाचते हैं, तो अभी ये महाराष्ट्र रेस्टोरेंट में आया हूँ। मेरे फ्रेंड जो मेरे साथ में आए आशीष चांडोसकर, जिनको आपने पहले के वीडियो में भी देखा रहेगा, वो महाराष्ट्र है, तो अभी उनसे भी एक बार टेस्टिंग कराते हैं, अभी वो उनके मन में भी ऐसे मोर नाचते कि नहीं देखते, हम लोग उनसे बात करते हैं कैसा है टेस्ट, उनसे जानते। तो ये मेरे फ्रेंड आशीष भाई, जिनको आपने पहले की वीडियो में भी देखा रहेगा, अभी इन ये महाराष्ट्र ने इनको पूछते इनका टेस्ट ऑथेंटिक महाराष्ट्र टेस्ट इनको लगता है कि नहीं यहाँ पे। तो चलिए आशीष भाई थोड़ा टेस्टिंग करेंगे। ये कोथिंबीर वड़ी है, महाराष्ट्र में नंबर वन आती है, टेस्ट एकदम अफलातून है, एक नंबर, प्योर ऑथेंटिक कोथिंबीर वड़ी जिसे कहा जाता है वो आपको सिर्फ आस्वाद में मिलेगी। कोथिंबीर वड़ी है, थाली भी टेस्ट करके देखते हैं। 2004 से मैं खा रहा हूँ एंड उनका टेस्ट जो है अभी तक वैसे का वैसा ही है। उनका जो क्या बोलते हैं आउटर जो पूरा एम्बियंस जो है वो पूरा चेंज हो गया, लेकिन जो टेस्ट है वो ऑथेंटिक वैसे का वैसा ही है। उनकी जो स्पेशलिटी है कोथिंबीर वड़ी है,
थाली पीठ है, देन साबुदाना वड़ा है, पूरन पोली है, मोदक है, आप नाम लो और वो आपके पास हाजिर हो जाएंगे। अमेजिंग रेस्टोरेंट, आप ज़रूर आओ यहाँ पे, विजिट करो एंड टेस्ट करो। दादर में है, शिवसेना भवन के सामने है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आसपास पूछेंगे तो आप यहाँ पे आके मज़ा ले सकते हैं। थैंक यू। तो अभी आप महाराष्ट्र फूड की बात करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जो हम लोग ने बहुत जगह खाया है, मिसल पाव। अभी यहाँ का मिसल में अलग ये है कि यहाँ पे अवार्ड विनिंग मिसल पाव बोला जाता है इसको। अभी देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये देखिए, पूरा अंदर स्प्राउट से भरा हुआ है, नीचे इन्होंने भाजी डाली है, आई थिंक ये पोटैटो का भाजी है, उसके ऊपर स्प्राउट है, उसके ऊपर फरसान डाला है, ऊपर कांदा और साथ में ऊपर लेमन रखा था। अभी देखने में बहुत मस्त लग रहा है और इसको बोलते हैं अवार्ड विनिंग मिसल पाव। अभी देखते टेस्ट करके अवार्ड विनिंग के जैसा इसके अंदर क्या है, क्या है डिफरेंट है टेस्ट में दूसरे से। चलिए टेस्टिंग करते हैं। तो अभी दोस्तों, मिसल खाने का बेस्ट तरीका है, पहले इसको मिक्स कर दो, जो भी अंदर फरसान डाला है, भाजी डाली हुई है, जो अंदर रसा है, और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू। चलिए पहला बाइट लेके टेस्टिंग करके देखते हैं। अभी बहुत मस्त है, वन ऑफ द बेस्ट मिसल जो मैंने मुंबई में खाया रहेगा, विनय लंच होम करके, वहाँ का भी हम लोग व्लॉग बनाएंगे। उधर मैंने ऐसा मिसल खाया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐसा मिसल खाया है, बहुत मस्त है। अब ये मिसल इसमें मज़ा नहीं आ रहा है खाने का, तो हम लोग पहले इसमें निकाल देते प्लेट में, तो आपको भी देखने के लिए अच्छा रहेगा और मुझे खाने के लिए अच्छा रहेगा। देखिए इसके अंदर मुझे पोहा का भी टेस्ट आ रहा है, तो इसमें शायद पोहा भी डाला है उन्होंने। बाकी मिसल देखने में ज़ोरदार लग रहा है, टेस्ट में भी ज़ोरदार है। और एक बाइट लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा स्वीटिश है, थोड़ा सा स्पाइसी है, बहुत मस्त है। अब ये फटाफट खाते हैं और नेक्स्ट आइटम मंगाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट आइटम अपनी है, अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो अपनी उपवास की आइटम भी कुछ बनती है मंगानी। तो हम लोग ने मंगाया है साबूदाना वड़ा, मस्त एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी दिख रहा है, बाहर से गोल्डन ब्राउन है, उन्होंने फ्राई किया और डीप फ्राई किया हुआ है, शैलो फ्राई नहीं है, ये देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब ये टेस्टिंग करके देखते। आहा, ये देखो अंदर से क्या सॉफ्ट है और एकदम गर्मा गर्म है बॉस। तो अभी टेस्टिंग करके देखते हैं साबूदाना वड़ा है कैसा। आई एम श्योर मेरी वाइफ के मुंह में पानी आ रहा रहेगा क्योंकि ये इसकी मोस्ट फेवरेट चीज़ है। बहुत मस्त है, स्पाइसी नहीं है, एकदम माइल्ड है, अंदर सॉल्ट वगैरह डाला है, जीरा डाला हुआ है, साथ में उन्होंने शींग डाली हुई है और साथ में खाने के लिए दी है ये कोपरे की चटनी। तो एक बार इसके अंदर डिप करके भी देखते हैं ये कैसा लगता है टेस्ट में। कोपरे की चटनी के अंदर उन्होंने हरी मिर्ची भी कट करके डाली हुई है, तो ये स्पाइसी नहीं है, फीका लग रहा है, साथ में थोड़ी सी मीडियम स्पाइसी हुई चटनी, बहुत मस्त कॉम्बिनेशन है। अभी ये बॉस मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ, मगर आज मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र रेस्टोरेंट में आए रहेंगे तो यहाँ की स्पेशलिटी खानी बनती है, ये है उकड़ी सा मोदक और ये है पीयूष। अब ये एक्चुअली मैंने पहले खाया हुआ है, अंदर देखेंगे आप इसके अंदर नारियल का छीन रहता है, ये देखिए नारियल का छीन रहता है, उसके साथ में गुड़ मिक्स किया रहता है, और बाहर जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं, बाहर का जो भी ये कवर किया हुआ है, ये बनता है चावल के आटे से। तो बहुत मस्त रहता है, बहुत स्वीट रहता है, मज़ा आता है खाने के लिए। उसके अंदर डालने के लिए इन्होंने दिया है गर्मा गर्म यह है घी। तो ये है पीयूष। अभी आपने कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी जगह पे पीते हो, आप जाते हो रेस्टोरेंट के अंदर खाने के अंदर साथ में कोल्ड ड्रिंक, मगर वो बहुत अनहेल्दी रहता है अपने हेल्थ के लिए। ये एक चीज़ है जो आप श्रीखंड खाते हैं, वो बहुत थिक फॉर्म में रहता है, ये उनको लिक्विडी फॉर्म में बना के उसको पीयूष बोला जाता है। इसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं, जायफल भी डालते हैं, जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है, और ये ज़्यादा लिक्विडी नहीं रहता है, ज़्यादा थिक नहीं रहते थे, कंसिस्टेंसी उसकी एकदम प्रॉपर रहती है। तो अभी ये मेरा फेवरेट है यहाँ पे। एक बार ये पहले टेस्टिंग करते खाते और आपको बोलते कैसा है ये। तो अभी ये पहले घी डालेंगे
मोदक के ऊपर। हाँ 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 वेट टेस्ट करके देखते कैसा है। अल्टीमेट, अंदर नारियल डाला हुआ है, उसके साथ में गुड़ है, साथ में इलायची है और स्वीटनेस बहुत अलग लेवल का है। भात का, बाहर का आपका ये जो चावल का आटे का आवरण दिख रहा है बहुत फीका रहता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता और अंदर स्वीटनेस। और ये अपना पीयूष, हाँ मस्त एकदम, केसर वाला श्रीखंड रहता ना वैसा टेस्ट है। मैंने चम्मच से खाया, बेसिकली इसको चम्मच के खाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये लस्सी की जितना थिक नहीं रहता है, तो आप डायरेक्ट ऐसा बहुत बढ़िया, मगर ये थोड़ा हैवी रहता है, तो अगर आप खाने के बाद ये पी रहे एक ग्लास में पूरा हो जाता है, और इसके पीने के बाद मस्त ऐसा नींद भी आपको आ जाएगी ज़ोरदार एकदम। दोस्तों ये पहला रेस्टोरेंट है, एक ही माले का पूरा रेस्टोरेंट है, मगर इसमें इन हाउस लिफ्ट है। जी हाँ, अगर आपको चलने में दिक्कत है, ओल्ड एज है, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर आपको टेबल मिल रहा है आप नहीं जा सकते, तो लिफ्ट की सुविधा भी है यहाँ पे, तो आप लिफ्ट में यहाँ पे ऊपर आ सकते हैं, तो सुविधा का पूरा ध्यान रखा है लोगों का। तो दोस्तों डेजर्ट में हमने मंगाया कुछ डिफरेंट और यहाँ की स्पेशलिटी ये है पूरन पूड़ी आइसक्रीम। जी का मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है। गुलाब जामुन आइसक्रीम मैंने बहुत जगह देखा है, लड्डू का भी मिलता है, ये पूरन पूड़ी का आइसक्रीम पहली बार देख रहा हूँ। और ये है नारियली भात का आइसक्रीम, रक्षाबंधन अभी गई है तो ये रक्षाबंधन के आजू बाजू में देखने मिलता है, जो नारियली पूर्णिमा बोली जाती है महाराष्ट्र में, उसके हिसाब से ये लोग ये आइसक्रीम बनाते हैं जो नारियल से बनी रहती है। अभी पहली बार दोनों आइसक्रीम टेस्ट कर रहा हूँ, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सबसे पहले खाएंगे ये नारियली भात का आइसक्रीम। मस्त है, नारियल मस्त आपके मुंह में आ रहा है, उसके साथ में थोड़ा मावा है, साथ में अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले, एक ग्रेप्स मेरे मुंह में भी आई अभी जो किशमिश बोली जाती है। बाकी टेस्ट में बहुत अच्छा है, इलायची वगैरह डाला हुआ है, पीयूष से काफ़ी हद तक रिजेम्बलेंस है इसका टेस्ट में, बहुत मस्त है। अभी टेस्ट करेंगे इनका पूरन पूड़ी आइसक्रीम। अभी पूरन पूड़ी मेरी फेवरेट नहीं है, मगर एक बार टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बहुत बढ़िया है, आप आइसक्रीम लग ही नहीं रहा, आप पूरन पूड़ी खा रहे हो ऐसा ही लगेगा। ये देखिए आपको इसके अंदर पूरन पूड़ी का पीसीस भी देखने मिलता है, टेस्ट में बहुत ज़ोरदार है। मेरी मानेंगे तो ये दो आइसक्रीम में से मुझे नारियली भात ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत सीजनल है, सिर्फ रक्षाबंधन के आजू बाजू में आपको देखने मिलता है, पूरा ईयर देखने नहीं मिलेगा। अब ये खाते हैं, फिनिश करते हैं और आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये देखिए बिल देने का स्टाइल भी एकदम यूनिक है, पान का पत्ता बना है, उसके ऊपर इलायची चिपकाई है, सुपारी है। अब ये एक्चुअली रियल नहीं है, खा नहीं सकते, और उसके अंदर है आपका बिल। अभी हम दोनों ने इतनी सारी चीज़ें खाई है मगर बिल देखे खाली 566 रुपीज़ ही आया है। तो दोस्तों मेरे साथ हैं यहाँ के मैनेजर नरेंद्र जी, उनसे थोड़ा जानते हैं आस्वाद के बारे में। नरेंद्र जी वेलकम टू द चैनल। बस सर फाइन, हम लोग को आप बताए कभी से चल रहा है आपका रेस्टोरेंट आस्वाद? सर अपना 1986 में इस्टेब्लिश हुआ, 35 ईयर्स अभी कम्प्लीट हो गए जनवरी में। ओके, और अपना जैसे आपने देखा रहेगा कि महाराष्ट्र ऑथेंटिक अपना खाना फेमस है, और ये अपना लोकेशन है शिवाजी पार्क शिवसेना भवन के सामने एलजे रोड संस्कृति बिल्डिंग शॉप नंबर 4। और टाइमिंग क्या रहता है आपके यहाँ पे? हमारा टाइमिंग है मॉर्निंग 9:30 से लेके इवनिंग 11 बजे तक कंटिन्यूस चालू है, बीच में ऐसा दोपहर को बंद रहता है, और अपना मंडे बंद रहता है। अच्छा, और क्या क्या स्पेशलिटी मिलती है वो आप मुझे फ्रेंड्स को बता सकते हैं? सर अपना सब महाराष्ट्रियन फूड जो है, मिसल पाव, थालीपीठ, कोथिंबीर वड़ी, वड़ा पाव, बटाटा वड़ा, फास्टिंग में साबूदाना वड़ा है, पीयूष है, स्वीट कचौरी है, मतलब पूरा महाराष्ट्रियन मेन्यू है। जी जी, फिर मोदक है, पूरन पोली है, अभी आपने देखा रहेगा तो हमारे पास पूरन पोली आइसक्रीम है। जी, अभी कल रक्षाबंधन हुआ तो उसके लिए हम लोग ने नारियली भात आइसक्रीम इंट्रोड्यूस किया, मतलब कुछ अलग, तो ऐसा फेमस और ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन डिशेज हम लोग प्रमोट करते हैं। बहुत मज़ा आया सर आपके यहाँ पे खा के। मैं नंबर और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप दादर में हैं विदाउट फेल आस्वाद आइएगा, अगर आप महाराष्ट्रियन फूड खाना चाहते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया सर, बहुत अच्छा फूड था आपके यहाँ पे। मिलते हैं आपको एक जल्दी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।